जय फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही जोरों शोरों से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पिछले दोस्तों 3 सालों का लेकर आया हूं। जैसे कि दोस्तों आप सबको बता दूं, इस साल का दोस्तों 2023 का पेपर दोस्तों 3 सेट का, वो भी दोस्तों इसमें सम्मिलित है। तो मेरे प्यार बच्चों, आप सब देख लीजिएगा, ये दोस्तों टोटल 6 ईयर का दोस्तों आप सबको मिल जाएगा 100%। मेरे प्यार बच्चों, 100% आप सबको मिल जाएगा 6 सेट का, यानी दोस्तों 6 पेपरों का सलूशन दोस्तों एक ही वीडियो में हम आप सबको देने वाले हैं। मेरे प्यार बच्चों, पूरा देखिएगा आखिरी तक, बिल्कुल हिंदी में दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो के बाहर नहीं जाने वाला है, 100% यही फंसने वाला है। और हाँ मेरे प्यार बच्चों, आप सबको बिल्कुल अब भी बता रहा हूं कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं टेलीग्राम का, जाके ज्वाइन करिएगा। वहां भी दोस्तों आप सब जाके आराम से इसका पीडीएफ पा जाइएगा, और दोस्तों हर एक वीडियो का दोस्तों वहां पे आराम से हम डाल देते हैं, आप सब वहां पे डाउनलोड करके पढ़िएगा, ठीक है। हर एक वीडियो का दोस्तों नोट्स भी वहां पे दिया जाता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। अब दोस्तों हम आपको जैसे कि बताएंगे यहां पे सबसे पहले कि दोस्तों जैसे देखिएगा, बहुविकल्पीय प्रश्न है 2022 का, सेट नंबर 1 दोस्तों यहां पे देखिएगा जो है, ये दोस्तों आप सबको कोड मिला हुआ है, देख सकते हैं। अब दोस्तों देखिएगा इसका दोस्तों आप सबको क्वेश्चन हम यहां दिखा रहे हैं और बता रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, डिप्टी कलेक्टरी के लेखक कौन है, बताइए। 4 ऑप्शन दिया गया है दोस्तों यहां पे, वासुदेव अग्रवाल, अमरकांत, प्रोफेसर जी रेड्डी दोस्तों, सुंदर रेड्डी और हजारी प्रसाद द्विवेदी। दोस्तों आपको आंसर भी यही नीचे मिल जाएगा, क्या है दोस्तों आप सब यहां पे देख सकते हैं, अमरकांत, ये दोस्तों 1956 ईस्वी में कहानी है, ठीक है दोस्तों, यह कहानी है 1956 ईस्वी में दोस्तों इन्होंने लिखा था। अब दोस्तों हम नेक्स्ट बात करेंगे ख नंबर क्वेश्चन, देखिएगा ख नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत की एकता के रचनाकार, भाई साहब बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, आप सब इसको आखिरी तक जरूर देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा। भारत की एकता का रचनाकार कौन है दोस्तों, बताइएगा। 4 ऑप्शन है इसमें दोस्तों, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, ओके। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जल्दी जल्दी आप सबको बताते समझाते चले मेरे प्यारे बच्चों। देखिएगा ग नंबर है, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है कौन सी है दोस्तों, कल्पवृक्ष है, यहां पूर्योदय है, ठीक है, या दोस्तों कल्पलता, कहानी संग्रह दोस्तों ये दोस्तों है, या दोस्तों आप सब बताएंगे, और अंत में ये किसकी है दोस्तों, ये इसका आंसर सही हो जाएगा सी, ठीक है, द्विवेदी जी की रचना है दोस्तों कल्पलता, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका घ नंबर, देखिएगा दोस्तों घ नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का रचना नहीं है, नहीं बताना है कौन सी नहीं है, तो मेरे विचार या दोस्तों साहित्य और समाज, या दोस्तों 2 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, जैसे कि आप सब यहां पे देख सकते हैं, धरती के फूल, ये दोस्तों सी है और डी है दोस्तों, इसमें डी ऑप्शन आप सबके सही हो जाएंगे, जो धरती के फूल है दोस्तों इनकी रचना नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों अंगा नंबर क्वेश्चन क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये दोस्तों है, आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर इस पुस्तक के लेखक कौन है, बताइएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें दोस्तों, आप सबका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, बी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, ओके। अब बात करेंगे नेक्स्ट दोस्तों सेकंड नंबर क्वेश्चन, ठीक है, ये दोस्तों तो पहला क्वेश्चन हो जाता है पेपर का, अब दूसरा क्वेश्चन पेपर का क्या होगा दोस्तों, इसमें 4 ऑब्जेक्टिव 5 ऑब्जेक्टिव इसमें भी रहेंगे। देखिएगा क्या है, निम्नलिखित में से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का निम्नलिखित दोस्तों निम्नलिखित महाकाव्य रचना महाकाव्यात्मक रचना है दोस्तों, बताना है, ठीक है दोस्तों, इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, वैदेही वनवास, ये दोस्तों जो है वह दोस्तों अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का, या जिनका दोस्तों निकनेम हरिऔध है, उनका दोस्तों महाकाव्यात्मक रचना है, ओके। अब बात करेंगे नेक्स्ट दोस्तों ख नंबर, ख नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना है, ये दोस्तों मैथिली शरण गुप्त जी की रचना कौन सी है दोस्तों, तो आप बताएंगे क्या है, सिद्धराज, सिद्धराज दोस्तों की क्या है, रचना है, ओके। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है ग नंबर, अज्ञेय जी को निम्नलिखित में से किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, बताइए अज्ञेय जी को किस पे मिला दोस्तों, कितनी नावों में कितनी बार, किस पे मिला बताओ फटाफट दोस्तों, कितनी नावों में कितनी बार, जैसा कि मैंने अभी आपको दोस्तों हिंट दे दिया था, आप सब कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लग रहा है दोस्तों आप सबको यह वीडियो, और दोस्तों पसंद आ रहा हो तो बिल्कुल एक बड़ा सा लाइक जरूर दीजिएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से दिनकर की रचना है, दिनकर जी की, बताइएगा दोस्तों, इसमें आप सब बता सकते हैं, बी ऑप्शन से हो जाएगा, परशुराम की प्रतीक्षा, ये दिनकर जी की रचना है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको 100% इससे बाहर नहीं आने वाला है क्वेश्चन, आपका 10 नंबर पक्का इस वीडियो में, 100% दोस्तों, पहला पेपर का पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, 5-5 ऑब्जेक्टिव रहते हैं, यही आने वाला है, श्योर है। अब देखिएगा नेक्स्ट अंगा दोस्तों, अंगा नंबर क्या है, कह रहा है हिमालय निम्नलिखित में से किसकी काव्य कृति है, बताइएगा दोस्तों, सी ऑप्शन से हो जाएगा, महादेवी वर्मा का काव्य कृति है हिमालय, ओके। अब दोस्तों देखिएगा हम सेट आपका नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, देखिएगा यहां पे 2022 का, ये दोस्तों सेट नंबर क्या है,
ये 2 है दोस्तों, ये दोस्तों यहां पे दिया है 302, ये ठीक है डीके। इसको दोस्तों आप सब अच्छे से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको यहां बता दे रहा हूं सारे क्वेश्चन दोस्तों, टोटल दोस्तों 6 पेपर का दोस्तों हम इसमें मिक्स करके रख दिए हैं, आप सब अच्छे से देखिएगा। देखिए निम्नलिखित याद रखिएगा, निम्नलिखित दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है वासुदेव राय अग्रवाल की कृति है, बताइएगा कौन सी है दोस्तों अग्रवाल जी की, तो आप बताएंगे मातृभूमि जो है दोस्तों वह वासुदेव राय अग्रवाल जी की कृति है, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्या है निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है, भाई साहब नहीं बताना है जो नहीं है इनकी रचना, बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों आपसे को बता दूं कि यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा सी ऑप्शन, जैसे देखेंगे आप सब, ये दोस्तों आप सबका ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, आप सबका सही हो जाएगा सी ऑप्शन, बिल्लेश्वर बकरिहा, ठीक है बिल्लेश्वरु, ठीक है बिल्लेश्वर बकरिहा, थोड़ा टफ है वर्ड दोस्तों, इसको देखिएगा ठीक है, बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, आप सबके एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है आप सबको दोस्तों, देखिएगा निम्नलिखित में से प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना बताना है, कौन सा है दोस्तों बताइएगा, चार ऑप्शन दोस्तों आप सबको मिल रहे हैं, तो इसमें दोस्तों ए आपका सही हो जाएगा, क्या मेरे विचार इनकी रचना है। अब बात करेंगे घ नंबर, अग्नि की उड़ान पुस्तक के रचनाकार हैं, बताए कौन से हैं दोस्तों, डॉक्टर जी एपीजे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ये दोस्तों एक पुस्तक लिखे थे अग्नि की उड़ान, ये दोस्तों इनकी पुस्तक थी, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप सब दोस्तों नजदीकी अपने दोस्तों बुक विक्रेता के यहाँ दोस्तों जाके जो शॉप होगा उस पर दोस्तों आप सब लेके पढ़ लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत ही अच्छी बुक है दोस्तों, बहुत ही दोस्तों वहाँ से आप सब मोटिवेट होंगे, ठीक है। अब दोस्तों देखिएगा नेक्स्ट क्या है, फरीश्वर की रेणु, फरीश्वर नाथ रेणु की कृति ठुमरी किस विधा की रचना है, भाई सब बताना है किस पर आधारित है यह बताना है, तो दोस्तों इसमें बता दूँ कि कहानी पर आधारित है, किस पर आधारित है कहानी पर, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है, रस कलश किसकी रचना है, बताया चार ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे दिख रहा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जगन्नाथ, ठीक है अब दोस्तों अयोध्या प्रसाद जी हैं, और दोस्तों आप सबके जयशंकर प्रसाद जी हैं, बताइए कौन है दोस्तों, तो आप सब बताएंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जिनको दोस्तों निकनेम के नाम से जानते हैं, ये दोस्तों क्या है, ये दोस्तों रस कलश का रचना किए हुए हैं। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त की महाकाव्यात्मक कृति है, बताइएगा भारत भारती है या दोस्तों, तीन ऑप्शन आपको नीचे मिलेगा, क्या जद्रथवध है दोस्तों या यशोधरा है या दोस्तों साकेत है, बताइएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा साकेत, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति नहीं है, बताइए कौन सी नहीं है, ये दोस्तों नहीं है ये ध्यान दीजिएगा, हर एक प्रश्न में दोस्तों विशेष ध्यान दीजिएगा कि क्या पूछ रहा है, ठीक है। काव्य कृति है वो अलग बात हो जाती है, नहीं है वो दोस्तों दूसरी है जो इसमें नहीं होगा, तीन तो होंगे एक नहीं होगा दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे डी ऑप्शन नहीं है, इत्तलम दोस्तों जो है इनकी क्या है दोस्तों काव्य कृति नहीं है जयशंकर प्रसाद जी की। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबका घ नंबर, देखिए दोस्तों यहाँ पे सुमित्रानंदन पंत को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किस कृति के कृति पर मिला था, दोस्तों यह आपको बताना है, तो दोस्तों यहाँ पे आप सब बता सकते हैं लोकायतन में दोस्तों इनको इस पर मिला था, ठीक है लोकायतन में दोस्तों इनको काव्य कृति पे दोस्तों नेहरू सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला था। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये दोस्तों आप सबका अंगा नंबर है, देखिएगा निम्नलिखित में से सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का संकलन है, बताइएगा कौन सा दोस्तों ऑप्शन सही हो जाएगा, दोस्तों देखिएगा आप सबका दोस्तों डी ऑप्शन सही हो जाएगा हरी घास पर क्षणभर, ये दोस्तों इनकी क्या है, ये दोस्तों इनकी हीरानंद वात्स्यायन दोस्तों इनका दोस्तों क्या है संकलन है। अब बात करेंगे नेक्स्ट दोस्तों पेपर सेट का, देखिएगा तीसरा सेट दोस्तों 2022 का, जिसमें दोस्तों आप सबके टोटल 6 पेपर के दोस्तों मिक्स किए हुए हैं क्वेश्चन हैं, देखिएगा क्या है दोस्तों, ये दोस्तों क्वेश्चन है साहित्य सहचर के लेखक है, बताइएगा कौन सा है दोस्तों, कौन इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा, तीन ऑप्शन यहाँ पे है दोस्तों आपका दोस्तों एक ऑप्शन नीचे। अब इसमें दोस्तों जैसे कि यहाँ पे देखिएगा बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्या है दोस्तों बी ऑप्शन, ये दोस्तों आप सबका है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, यहाँ पे दोस्तों आप सबका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है, बताइए कौन सी है, बताइए जरा जरा जल्दी जल्दी बताइए, कमेंट करिए दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों हिंदी प्रदीप जो है दोस्तों, ये दोस्तों इनकी क्या है, ये दोस्तों इनकी बाल भट्ट की संपादिक पत्रिका है। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है, इसमें दोस्तों आप सबका देखिए चार ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें दोस्तों आपका ए सही हो जाएगा परीक्षा गुरु दोस्तों इनका क्या है उपन्यास है मौलिक उपन्यास। अब दोस्तों हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा जरा आप सबको दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है अच्छे से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरदार पूर्ण सिंह की युग के लेखक कौन है, बताइएगा सरदार युग सिंह किस युग के लेखक हैं, बताइए
सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों इसमें, द्विवेदी। याद रखिएगा द्विवेदी युग के दोस्तों ये क्या है, लेखक हैं। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की कृति है, बताइए कौन सी कृति है। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा ये ध्रुव स्वामिनी, ये दोस्तों इनकी क्या है, कृति है। ओके, अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सेकेंड, देखिएगा पहला पांच नंबर का हो गया, दूसरा देखिएगा दोस्तों सेकेंड नंबर में। पहला दोस्तों क्वेश्चन है का नंबर, छायावाद की विशेषता है, बताइए क्या है। पहला है दोस्तों इतिवृत्तात्मकता, या दोस्तों नेक्स्ट है आप सबका यहाँ पे देखिएगा तीसरा चौथा, दोस्तों चार ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें दोस्तों आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सौंदर्य और प्रेम, ये दोस्तों इनका क्या है आप सबका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ख नंबर। ख नंबर में क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ भक्ति काल का नहीं है, सॉरी भक्ति काल का है। ठीक है, ये दोस्तों आप सबको बताना है कौन सा ग्रंथ, बताए कौन सा है दोस्तों। तो इसमें बता दूं आप सबको, जो दोस्तों विनय पत्रिका है या दोस्तों क्या है, भक्ति काल का ग्रंथ है। ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयोगवाद के प्रवर्तक, बताइए कौन से हैं दोस्तों प्रयोगवाद के। दोस्तों आप बताएंगे प्रयोगवाद के दोस्तों जो प्रवर्तक है वह अज्ञेय जी हैं, ये दोस्तों बिल्कुल 100% आपके पेपर में छप रहा है इस बार, 100% आएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अनामिका के रचनाकार कौन है, भाई साहब निराला जी। अभी अभी दोस्तों हम आप सबको बता दूं, होमवर्क देने जा रहे थे लेकिन दोस्तों आप सबको बता दूं कि दोस्तों इसको मैंने यहाँ पे आंसर मेंशन कर दिया, क्योंकि दोस्तों आप सबको पीडीएफ भी देना है ना, तो आप सब दोस्तों आराम से टेलीग्राम पे दिए हैं दोस्तों, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है डिस्क्रिप्शन में आप सबको मिल जाएगा दोस्तों टेलीग्राम का, आराम से वहां जाके आराम से डाउनलोड कर लीजिएगा पीडीएफ। और दोस्तों हर एक सब्जेक्ट का दोस्तों वहाँ पे नोट्स मिल जाने वाला है आराम से, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्या है रीत काल का अन्य नाम क्या है, बताइए जरा कमेंट करके कि रीत काल का अन्य नाम क्या है, श्रृंगार काल है, उद्धव काल है, स्वर्ण काल है, या संक्रांति काल है, बताइए। चार ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, आप सबका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों आप सब यहाँ पे देखेंगे ए ऑप्शन आपका सही हो जाने वाला है, क्या है श्रृंगार काल। श्रृंगार काल दोस्तों क्या है, ये रीत काल का अन्य नाम है। अब दोस्तों जैसे कि आप सबको बता दूं दोस्तों कि आप सब चैनल पे नए होंगे, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे दोस्तों इस तरह का हर एक वीडियो आप सबको मिलता रहे। और दोस्तों जैसे कि पेपर, हर एक पेपर का सोल्यूशन फुल सोल्यूशन दे रहा हूं दोस्तों, प्रीवियस ईयर का प्लस नेक्स्ट दोस्तों मॉडल पेपर लेकर आकर दोस्तों इस तरह का वीडियो आप सबको बिल्कुल पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आप सबका पेपर बिल्कुल करीब है और इसी तरह का दोस्तों छपने वाला है। तो आप सब दोस्तों इस तरह का वीडियो देखने के लिए आप सब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिएगा जिससे दोस्तों आप सबको नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा और एक बड़ा सा लाइक देके दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो कौन सा आने वाला है। ठीक है, आना चाहिए दोस्तों, जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों आज की वीडियो पसंद आई, वीडियो को फुल वॉच करने के लिए आप सबको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।